हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे, अगर आप लौट के आ रहे हो थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। विल सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं आज। आई एम पिकिंग अप कि यहाँ पर कोई है जो बहुत ही वॉलेंशियस है, लाइक उनका बॉडी ना खाता पीता घर के बॉडी टाइप्स है। I instantly got an image of somebody with a good build. ठीक है, उनका ऊपर का बॉडी का ऊपर का जो पोर्शन है इट्स हैवी। ठीक है, ब्यूटिफुल है। ठीक है, स्लाइट कलर्ड, स्लाइटली डार्क स्किन्ड, इट्स लाइक टैन स्किन जिसे नहीं कहते। यहाँ पर कोई है जिसे नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद है, लाइक मल्टी कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की नेल पॉलिश लगाना अच्छा लगता है। इट लुक्स नाइस ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट। ओके, देयर इज समबडी जिसे इयररिंग्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का प्रकार का इयररिंग है जो आप पहनना पसंद करते हो। इयररिंग्स, ब्रेसलेट, एक्सेसरीज, लाइक देयर इज अ टाइप कि मुझे बस यही टाइप चाहिए। इट्स अ वेरी चूजी काइंड ऑफ अ सिलेक्शन कि अगर ब्रेसलेट है, बीज है, तो उन्हें राउंड ही होना चाहिए या सिमेट्रिकल होना चाहिए। देयर इज अ टाइप टू इट। ओके, आई एम पिकिंग अप ऑन टैटूज। किसी के लेफ्ट पैर में या राइट पैर में, एंकल के पास टैटू है, बटरफ्लाई टैटू है। किसी का ईयर के पीछे टैटू है। कोई यहाँ पर टैटू रिमूव भी किया हुआ है। ओके, ओके, कोई यहाँ पर है जो अपने फाइनेंशियल ग्राउंडिंग को थोड़ा चेंज करना चाहते, पर उन्हें थोड़ा सा सेल्फ इस्टीम इशू हो रहा है, लाइक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उन्हें। इट्स लाइक वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर, एक होता है ना अलाइनमेंट कि सारी चीज़ें एकदम इन प्लेस है। तो इट्स लाइक ये पर्सन बहुत ही श्योर होकर के आगे बढ़ना पसंद करते हैं, बट इस सिचुएशन में उन्हें कुछ है जो उनका जानना समझना बाकी रह गया, और इसलिए वो ठीक से श्योर नहीं हो पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ देर और उन्हें ठहर जाना चाहिए ताकि उन्हें कंप्लीट पिक्चर मिल सके, तभी वो आगे बढ़ेंगे। आई एम हियरिंग कि कोई है यहाँ पर जो बहुत कंफ्यूज हो गए थे अपने ट्विन, अपने रियल ट्विन और अपने फॉल्स ट्विन के बीच में, एंड फाइनली उन्हें अपने रियल ट्विन और फॉल्स ट्विन के बीच में अंतर समझ में आ गया है कि कौन रियल है और कौन फेक है। या एंड दे नीड टू ब्रेक द चेन्स। ठीक है, ज़बरदस्त उन्हें अपने तौर तरीकों को यहाँ पर ब्रेक करना है। इट्स लाइक दिस पर्सन माइट बी लिटिल ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। आई माइट बी डिस्क्राइबिंग अ पर्सन राइट नाउ। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, लॉयल किस्म के इंसान है। उन्हें साथ ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, लाइक दे लाइक बीइंग इन यूनिट्स। ठीक है, सो अगर उनका ट्रांसफॉर्मेशन ये डिमांड करता है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए अकेले ट्रैवल करना है, लाइक अकेले चलना है, इस पर्सन के लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि उनके कंफर्ट जोन से बाहर है। बट देन ये पर्सन इवेंचुअली रियलाइज़ करेंगे कि वो इस भीड़ में भी, इस फैमिली यूनिट में भी वो अकेले, ये पर्सन इज़ फीलिंग वेरी होम सिक राइट नाउ। इट्स लाइक वो अपने घर में बैठ के भी होम सिक फील कर सकते हैं। उनका सेंस ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर डिस्ट्रप्ट हुआ है, लाइक उन्होंने जिसे समझा था कि ये घर है और वो उनमें इन्वेस्ट करे, बट उन्हें
इतना लंबे समय के बाद भी, अपने आप को इन्वेस्ट करने के बाद भी, टाइम, एनर्जी, फाइनेंस, एवरीथिंग, इमोशंस इन्वेस्ट करने के बाद भी, दे आर रियलाइजिंग कि देर इज़ नथिंग दैट्स कमिंग आउट ऑफ इट. ठीक है ना, कि वो जिस स्टेबिलिटी को वो बिल्ड करना चाहते थे, जो ग्राउंड वो करना चाहते थे एनर्जीज को, वो ग्राउंड वर्क हो ही नहीं पा रहा है, एनर्जीज ग्राउंड हो ही नहीं पा रहा है. उल्टा वो जितना चीज़ों को फोर्सफुली कर रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा टावर मूवमेंट्स यहाँ पर हिट हो रहा है. पहला कार्ड ही यहाँ पर टावर निकल गया है एंड ये अपराइट है. तो ये पर्सन इज गेटिंग अ क्लैरिटी. इट्स लाइक एक पॉइंट के बाद आपका पर्सन वॉज लाइक ठीक है, मैं और ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ या ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, जो आपको दिखाना है आप दिखाओ. ठीक है ना. सो दिस पर्सन माइट बी डीलिंग विद समबडी जो बहुत कोडिपेंडेंट रही है या रहा है आपके पर्सन के ऊपर, और आपका पर्सन भी इमोशनली बहुत कोडिपेंडेंट रहे. ठीक है, देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फाइनेंसिस जो यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, बट फाइनली वो दे आर ट्रैवलिंग अवे. ठीक है, देखो आप कार्ड्स को देखो, टावर उसके ऊपर आया, द लीप ऑफ फेथ वाला कार्ड कि ठीक है अब मैं सरेंडर करता हूँ या सरेंडर करती हूँ. उसके ऊपर आया द नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, दैट टेल्स मी कि वो कोई कोडिपेंडेंट एनर्जी में थे. ठीक है ना, एंड नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस कोडिपेंडेंसी, गाइडेड बाय देयर स्पिरिट गाइड. ठीक है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर हैप्पी होम. ये आपका हाई लेवल सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है. लाइक फाइनली इस पर्सन ने रिकग्नाइज किया कि उनका रियल पर्सन कौन है. ठीक है, इसे ये पर्सन बहुत लंबे समय तक ना अपना पोजीशन नहीं ले रहे थे, देन फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब उन्होंने कार्मिक्स को चुना, ठीक है, अपने डिवाइन लव को, अपने ट्विन को छोड़ करके उन्होंने किसी कार्मिक को चुना, उनकी अनॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गया. ठीक है ना, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी के साथ डील करते वक्त यू काइंड ऑफ लूज दैट अथॉरिटेटिव पोजीशन. ठीक है, जब कोई डिवाइन गिफ्ट्स हमारे लिए ओपन होता है, इट्स मेंट फॉर द रीयूनियन एनर्जी. है ना, ये ट्रू लवर्स के लिए होते हैं कि वो साथ मिलकर के दे विल बी डूइंग देयर सोल मिशन वर्क. ये सोल मिशन के लिए ये एनर्जी ओपन होता है. बट अगर कोई उस एनर्जी को, उस रीयूनियन की एनर्जी को या अपने गिफ्ट्स को किसी टॉक्सिक जगह पे वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या टॉक्सिक जगह को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू ओवर देयर गलत तरीके से, ठीक है, तो उनकी अनॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है, उनकी गिफ्ट्स पे ब्लॉकेजेस आ जाता है एंड दे आर नॉट अलाउड टू टैप इन एनी मोर. ठीक है ना, तो उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कैंसिल आउट हो जाता है. आई फील आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत लंबे समय से ना टशन चल रही थी कि किसका तरीका सही है. इट्स लाइक एक तरीका उन्होंने अपनाया, एक तरीका आपने अपनाया. आपके गिफ्ट्स ओपन हो चुके हैं, प्रॉबली यू आर डूइंग योर मिशन वर्क. ठीक है, एंड योर पर्सन इज लाइक वो अपने गिफ्ट्स में टैप इन नहीं कर पा रहे. ठीक है ना, एंड दैट इज़ हाउ दे नो यू आर द रियल वन. और आपका पर्सन इस वक्त बहुत होम अपने घर को मिस करे, दे फीलिंग होम सिक. We have the breaking of chains, ancestral pattern, healing, rewriting the future. Exactly. So it's like aapka person bahut orthodox the. Being family oriented and being orthodox are not the same thing. ठीक है ना, but then यहाँ पर उनके ancestors थे, उनके देखो ये सारे उनके पूर्वज हैं, पीछे से आ रहे हैं, देखो ये सब souls हैं, right? ये उनके ancestors ही है जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, सेइंग कि हमने जो गलती की है, हमने जिस अंधकार में अपना जीवन व्यतीत किया है, उस अंधकार को चीर के उजाले को वापस स्थापित करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. ठीक है, एंड यू नीड टू टेक दैट लीडरशिप पोजीशन अपने लाइफ में. वो पोजीशन लेने का अब समय आ गया है, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते.
अचानक से ना मुझे एंग की याद आई, एयरबेंडर, वो कैसे डर के भाग गया था और बहुत लंबे समय तक वो बर्फ के गोले में वो अपने आप को फ्रीज कर लिया था। वी हैव पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। एग्जैक्टली, सो आपका पर्सन आपको एज एन ओरेकल देखते हैं एंड दे आर रियलाइजिंग कि जो गिफ्ट्स आपके हैं वो गिफ्ट्स कहीं ना कहीं उनमें भी है, ठीक है, पर वो तब तक उसे उसमें टैपिंग नहीं कर सकते जब तक वो इसकी पूरी तैयारी नहीं करते थे। उनका तरीका अपने आप में गलत था, दैट्स जस्ट दैट, ठीक है ना। आपके पर्सन को या आपको पिंक टर्कोइज, पर्पल, ये सारे लाइट्स इस वक्त फॉलो करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि उनका फेवरेट है, दीज आर द कलर्स जो उन्हें फॉलो करेंगे। लाइक लोग बार बार करके उनके सामने इन कलर्स का नाम लेंगे, सजेस्ट करेंगे घर का रंग ये करो, ठीक है, दीज कलर्स गोइंग टू फॉलो। वो चारों तरफ जहाँ पर भी देखेंगे उन्हें यही कलर सबसे ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। वी हैव मडी रेड, आपके पर्सन को रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ना। आपके पर्सन को स्टोन कलेक्ट करना अच्छा लगता होगा। देयर आर एंजल्स जो इस वक्त आपके और आपके यूनियन को इस वक्त बहुत सॉलिड तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मून इज वेरी क्लोज टू योर, आपको बार बार करके रेनबोज नजर आ सकता है, लाइक रेनबो कलर्स एंड स्टफ, रेनबो रीडिंग कर सकते हो आप, रेनबो ट्राइब से हो सकते हो। वाटरफॉल, देयर इज समथिंग अबाउट वाटरफॉल एंड फॉरेस्ट। आप किसी ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर फॉरेस्ट के बीचों बीच वाटरफॉल था, या आपको ऐसे सपने आते हैं? आपके 5D में ऐसा कोई ड्रीम वर्क आपने किया हुआ है? वी हैव आंसर द कॉल, यू आर व्हाट इज योर सोल कॉलिंग टू डू। आपके पर्सन का आई फील उनकी अंतर आत्मा उन्हें बार बार करके अंदर से पुश कर रही है आपकी तरफ मूव करने का। इस वक्त आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के बाकी सारे कार्मिक साइकिल्स को उन्होंने क्लोज डाउन कर लिया है, लाइक हेड ऑन उन लोगों से मिल करके, उनसे माफ़ी मांग करके, यू नो दे क्लोज ऑफ अ लॉट ऑफ कार्मिक साइकिल्स, जो भी अनकहा अनसुना रह गया था दे क्लियर्ड आउट ऑल दोज साइकिल्स, चाहे उन्होंने जानबूझ के किया हो या यूनिवर्स ने ज़बरदस्ती उन लोगों को आपके पर्सन के आगे ला करके खड़ा कर दिया हो। दीज पीपल डिड कॉल यू पर्सन आउट, लाइक लिटरली मुंह पर उन्होंने कंप्लेंस जाहिर किया आपके पर्सन को लेकर के, सेइंग कि तुमने ये किया था वो किया था, यू नो जो क्लोजर के वक्त जो होता है बेसिकली, यू टॉक थिंग्स आउट टू ईच अदर, ठीक है। तो इट्स लाइक बाकी सारे कार्मिक साइकिल्स को उन्होंने क्लोज डाउन कर दिया है, बट समहाउ वो आपके साथ साइकिल्स को क्लोज डाउन नहीं करना चाहते, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी स्केयर्ड। इट्स लाइक अगर वो आपसे बात करेंगे उन्हें लगता है कि वो आपको शायद बाकियों की तरह खो दे। इट्स लाइक उनकी जितनी भी अपने एक्सेस के साथ, एक्स फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, सबके साथ जो बातें हुई है उसके बाद देर हैज़ बीन एन एनर्जेटिक डिसकनेक्शन, राइट, साइकिल्स ख़त्म, दोज थिंग्स आर गॉन एंड नई शुरुआत है, राइट, बट समहाउ वो आपके साथ ये साइकिल को क्लोज डाउन नहीं करना चाहते, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, ये वो डर के मारे वो रिजिस्ट कर रहे, इट्स लाइक दे आर फाइटिंग वेरी हार्ड, ठीक है। वी हैव द इनिशिएशन, राइट्स ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। एग्जैक्टली, आपका पर्सन इसी इस दरवाजे के आर पार जाने में ही उनको दिक्कत हो रही है, दे आर ट्राइंग, दे लाइक मैं इस दर्द में रह जाऊँगा, मैं इस अंधेरे में रह जाऊँगा, पर मैं उसको पार करके उस तरफ नहीं जाऊँगा, नहीं तो मेरा अदर हाफ
को मैं खो दूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू बी विद दिस पर्सन एनी मोर, आई लूज दिस पर्सन फॉर एवर। उन्हें बहुत जोर का इस वक्त डर लग रहा है कि अगर गलती से भी वो आपसे रास्ते पर टकरा गए एंड यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हुआ, आपको शायद क्लोजर मिल जाएगा एंड देन यू विल बी ओवर दिस पर्सन, और फिर शायद आप कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलोगे एटलीस्ट इस जन्म में। बट व्हाट दे हैव नॉट रियलाइज इज आपको ड्रीम स्टेट में ऑलरेडी क्लोजर मिल चुका है। देर हैज़ बीन एंड एनर्जी शिफ्ट। अगर आपने वो चैनलिंग मेरा नहीं देखा है, यू विल गेट क्लोजर इन ड्रीम स्टेट, आप वो जाकर के दे सकते हो। या वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ कप्स, वी हैव द हर्मिट। इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो वेरी मच बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आपने पुल अप किया हुआ है। लाइक यहाँ आप फ्रेंडली हो सकते हो, आपको बात करना आ सकता है, ऑफ कोर्स यू आर समबडी जिसमें बहुत सारे मैनर्स हैं एंड एवरीथिंग, बट आपके बाउंड्रीज बहुत स्ट्रिक्ट है। लाइक कोई भी आपको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है ना, वेरी जस्ट। इट्स लाइक आप पहले राउंड में लोगों से बड़े प्यार से बात करते हो, ठीक है, जब आप देखते हो कि कोई कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं या आप नेगेटिव एनर्जी पिक कर रहे हो, आप उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करते हो, पर अगर वो सुधरते नहीं है ना, यू गिव देम व्हाट दे नीड टू हियर। लाइक आप एक पीस ऑफ योर माइंड आप दे देते हो उसको बिना फुल स्टॉप के। आप हाँ सच बोलते हो, यू आर कॉलिंग देम आउट, आप उनके इश्यूज़ को कॉल आउट कर रहे हो, बट वो ब्रूटली सच होता है। लाइक इतना ट्रांसपेरेंट, इतना क्लैरिटी के साथ आप बात करते हो कि लोग ऑटोमेटिकली दे फील पुश्ड कि वो अपने अंदर झाके। तो इट्स लाइक उनका जो प्रिटेंस है ना कि नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आप फील कर सकते हो कि इसकी एनर्जी में कुछ तो है जो ठीक नहीं है। एंड एक बार आप बोलना स्टार्ट करते हो, ठीक है, उन्हें कॉल आउट करना स्टार्ट करते हो, ऑटोमेटिकली दे आर बाउंड टू सी कि उनमें क्या इश्यूज चल रहा है, ठीक है ना। इट सेंड्स देम टू दिस हर्मिट मोड। आई फील आपका पर्सन भी आपके हाथों काफी सारे रियलिटी चेक्स पा चुके हैं। यप, इट्स मोर लाइक जजमेंट कॉल, इट्स लाइक, बट देन ये उनके लिए बहुत अच्छा भी है क्योंकि उन्हें वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी से बाहर लेकर के आता है, ठीक है, जो चीज़ें उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा होता है और वो बिल्कुल भी उन चीज़ों का एड्रेस नहीं करना चाहते। लाइक सालों साल अपने भीतर उसको लेकर के कैरी आउट करते रहेंगे। तो आपका बोलना यहाँ पर, यू बीइंग द एंजल, द डिवाइन एंजल इटसेल्फ, ठीक है, जब आप जजमेंट कॉल करते हो ना, जब आप सच बोलते हो, उन्हें कॉल आउट करते हो, लिटरली वो इस एनर्जी से बाहर निकल के आ जाते हैं। They are bound to see their faces on the mirror, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर किसी का हाई लेवल सोलमेट या कार्मिक, आई एम नॉट सीइंग ट्विन, यहाँ पर हाई लेवल सोलमेट या जिसे आपने अपना सोलमेट समझा था, कार्मिक बन गए, वो दोबारा आपके तरफ एक नए साइकिल को शुरू करने के लिए वो आपकी तरफ मूव कर सकते हैं। एंड यू विल नीड टू गिव दिस पर्सन अ रियलिटी चेक, ठीक है, आई एम हियरिंग 7 दिन, अगले 7 दिन के अंदर। अगर ये आपके साथ होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वापस आकर के ज़रूर बताइए। या वी हैव द मून रिवर्स्ड, सो सीक्रेट्स यहाँ पर, इट्स लाइक यहाँ पर जो सच है ना, छुपाए नहीं छुप रहा है। सो दिस माइट बी योर पर्सन इमोशंस एंड जो आप लोगों के इमोशंस को पिक करोगे, उनकी टॉक्सिसिटीज को पिक करोगे, आप चाह कर भी उसको छुपा नहीं सकते हैं। इस लाइक हड़बड़ा करके एक बार आप आपने फिगर आउट कर लिया कि सामने वाला
आपसे क्या छुपा रहे हैं या उनके अंदर क्या ऐसी इश्यू है जो उन्हें परेशान कर रहा है, आपसे ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहा है, आप उन्हें कॉल आउट करते हो। दूसरी तरफ आपके पर्सन की ये इमोशंस है जो छुपाए उनसे नहीं छुप रहा है, ठीक है। Yeah, we have the Queen of Pentacles. आपका पर्सन आपके फाइनेंस से बहुत डरते हैं बॉस, आपकी स्टेबिलिटी से उन्हें डर लगता है। इट्स लाइक वो कोडिपेंडेंट कनेक्शंस में रहे हैं, राइट? सो आपका यू इतना इंडिपेंडेंट होना और अपने नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डोंट गेट मी रॉन्ग, जस्ट रीडिंग द मैसेजेस। आपका आपका जो आत्मविश्वास है, आपके पर्सन के अंदर की ये लो सेल्फ इस्टीम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट होना छोड़ दोगे, नो, देर आर सर्टेन आई नो कम्युनिटीज़ जहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, अपने सपनों को छोड़ दे। ना, आई एम नॉट इन फॉर ऑफ ऑल दैट। आपका पर्सन स्लाइटली आपको लेकर के जेलस भी हो सकते हैं। इट्स मोर लाइक अगर आपको इस वक्त बहुत अटेंशन मिल रहा है या हमेशा से बहुत अटेंशन मिलता आया है, दे काइंड ऑफ गेट जेलस। इट्स लाइक अगर आप अपने समय को किसी और के साथ बांटते हो, अपनी एनर्जी किसी और के साथ बांटते हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, इसमें आपके पर्सन को बहुत जेलस फील होता है, एंड दैट टू इज़ फ्रॉम द इनसिक्योरिटी। इट्स लाइक वो होलसम लव वो नहीं समझते, ठीक है ना, दे वॉन्ट यू एंड दे वॉन्ट यू टू देम सेल्व्स। या आपके तरफ वो बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इन दैट एम्परर एनर्जी। इट्स मोर लाइक इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है पता है, कि दूसरों की तरह तो वो आपको पैसे नहीं दे सकते, यू डोंट नीड दैट। वो आपका ध्यान रखना चाहते हैं पर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपना ध्यान रखना खुद जानते हो। सो एवरीथिंग यू ऑलरेडी हैव, तो वो ऐसा क्या आपको दे, कैसे वो अपनी जगह आपके लाइफ में बनाए, राइट? दे नीड टू गो बियॉन्ड ये सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर उठ करके, दे नीड टू अंडरस्टैंड द एनर्जी रेसिप्रोकेशन हियर। एंड विद दैट एम्परर एनर्जी, इट टेल्स मी कि आपका पर्सन एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, दे आर नॉट बेबीश एनीमोर, वो बचकानी हरकतें इट्स गॉन। आपके पर्सन ने किसी फायर साइन के साथ डील किया था, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ, जो उन्हें हवा में सपने दिखाए, एंड इट काइंड ऑफ ब्रोक योर पर्सन्स हार्ट, ठीक है ना। ये आपके पर्सन एक से ज़्यादा एनर्जीज के साथ डील कर रहे थे, सही, चीज़ों को लेट गो करना आपके पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। दे हैव टू फिगर इट आउट। वो कहते होंगे कि हाँ मैंने छोड़ दिया, बट नो, उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है, उनका एक फाउंडेशन ब्रेक डाउन हो रहा है। वी हैव द टेन ऑफ कप्स एंड इट्स रिवर्स्ड, एक एंडिंग हो रही है, इसलिए आप उनकी एनर्जीज फील कर सकते हो, दैट दे आर सैड, दे हैव अ सैड बिच फेस राइट नाउ, लाइक एकदम पोका फेस बना के।
what's happening. They know what's happening. यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके लिए आपके पर्सन के लिए और डिफिकल्टीज क्रिएट होगा, ठीक है. बट देन ही इज एम्बॉडिंग द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. इट्स लाइक जो जैसा है उनके साथ वैसे ही आपके पर्सन बिहेव कर रहे हैं. अगर वो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो वो उनके लैंग्वेज में बात कर रहे, टॉक्सिसिटी को पलट के टॉक्सिसिटी दे रहे. अगर वो किसी किंग या क्वीन पोजीशन में किसी के साथ डील कर रहे तो वो वही अथॉरिटेटिव पोजीशन से बात कर रहे. एंड दे आर सेविंग दैट एम्परर एनर्जी फॉर यू. लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस. इस वक्त आपके पर्सन डील कर रहे इन सारी चीज़ों के साथ. दे काइंड ऑफ बिजी, हैव लॉट ऑन देयर प्लेट. इट्स लाइक वो जान बुझ के इस चीज़ को डिले कर रहे हैं डर के मारे. यप, दे वॉन्ट टू गिव यू एन ऑफर. आप एक लव ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर्सन के साथ और वो चेहरे पे बैठ के तेजी से आएंगे आपकी तरफ, ठीक है. दिस यू एज द ऑल एंड ऑल एंड दे विल, वो आपको बताएंगे कि वो एक्चुअली आपको टेस्ट करने की भी एक राउंड कोशिश करेंगे से कि मुझे मेरा जो यहाँ पर फाउंडेशन है इसके साथ साथ आई विल वॉन्ट यू, ठीक है. वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके वहाँ पर देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन उनके लाइफ में. बट देन यू बी लाइक अन्ना ना, वो टॉक्सिसिटी डिसबैलेंस सॉरी मुझसे नहीं होगा. या लाइक सॉरी हम ऐसे डिसबैलेंस सिचुएशन में नहीं रह सकते. वो एक बार जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए जानबूझ के इस टॉपिक को छेड़ेंगे. ओके, द साइंस दैट आई पिक्ड अप ओवर हियर वाज एरीज, लियो. फायर साइंस तो देख चुके हम लोग, साजिस थे. जेमिनाई, कैंसर. यप, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस. वी हैव द सॉरो कार्ड. योर पर्सन इज वेरी सैड राइट नाउ. इट्स वेरी सैड. Yeah, very stressed out. Childhood woundings है आपके पर्सन के, ठीक है. वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो चुका है. सेलिब्रेशन इज डन, इट्स ओवर. फन डेज आर गॉन. यहाँ पर कोई है जिसका ड्रिंक बडी है, लाइक आपका पर्सन का ड्रिंक बडी हो सकता है कोई, जिसके साथ वो बैठ के ड्रिंकिंग करते थे या पार्टी करते थे या बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे थे, ठीक है ना. बट वो रियलाइज करे कि वो लाइफ स्टाइल उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे थे. इंटायर टाइम जब वो पार्टी कर रहे थे दे वर स्टिल फीलिंग गिल्टी. वो जानते थे वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. वो अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में रख रहे हैं जहाँ पर वो अपने फुल पोटेंशियल में नहीं है. उनका ये कंफर्ट जोन बहुत प्रॉब्लमेटिक था. बट देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो ऐसे आइसोलेशन में अभी इस वक्त इस एनर्जी में आ गया है. लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये खालीपन या अकेलापन जाता ही नहीं है. सो आई गेस ये एक लौता यू नो सल्यूशन रह जाएगा टू ग्रो अप. इसलिए वो कुछ भी करे उनके अंदर की खालीपन ख़त्म ही नहीं होती. दे जस्ट कांट स्टॉप लुकिंग, ठीक है ना. घर ढूंढना वो बंद ही नहीं कर पाते हैं. सो दे कम टू दिस रियलाइजेशन कि उनका घर है क्या. वॉट इज दैट सेंस ऑफ घर टू देम. यप, टावर मूवमेंट अगेन. ये पूरा सिचुएशन जहाँ पर भी वो इन्वॉल्व है ना,
ये उनके लिए बहुत ही बर्डनसम हो गया है, वो चीज़ें बैलेंस आउट कर ही नहीं पा रहे. इट वेंट अगेंस्ट देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ. ये देखो टावर, स्पिरिचुअल पाथ रिवर्स्ड. वी हैव द फाउंडेशन कार्ड पार्टिसिपेशन रिवर्स्ड, डिसबैलेंस, कंप्लीट डिसबैलेंस. एंड देन बर्डन अपराइट आया है. ये पूरा सिचुएशन उनके लिए बर्डनसम हो गया था, लाइक ज़बरदस्ती का एक बोझ जैसे वो हो रहे थे. ठीक है ना, और ये लोग आपके पर्सन को, पर्सन के कंधे पर बैठ के उन्हें गधे की तरह चलाए जा रहे हैं. इस लाइक आपके पर्सन ने आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया होगा, बट देन वो जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे तो उन लोगों ने आपके पर्सन को कोई रेसिप्रोकेशन नहीं दिया. ये सॉरो कार्ड फिर से निकल के आया है. दे नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग राइट नाउ. बहुत बहुत इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो सकता है आपके पर्सन को. आई एम हियरिंग किसी को यहाँ पर भूत दिख रहा है. दे माइट बी सीइंग अ स्पिरिट राइट नाउ, बट टू देम दैट्स भूत. ठीक है, कितना नेगेटिवली बात करते हैं ना ये लोग, भूत एंड ऑल दैट स्टफ. वी आर ऑल सोल्स. डिफरेंस इतना है, हमारे पास बॉडी है, बाकी सोल्स के पास बॉडी नहीं है. अच्छा, दे आर एग्जॉस्टेड, लाइक रियली एग्जॉस्टेड. ये फ्रेंडशिप का रिवर्स आया है, तो वो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे उन्हें ड्रेंड आउट कर चुका है. ठीक है, दे आर लर्निंग हाउ टू फ्लो. आपका पर्सन वेरी मच एक फिक्स साइन हो सकते हैं, डोमिनेंट फिक्स साइन हो सकते हैं. लाइक फिक्स साइन में बर्थ चार्ट पे उनका हैवी प्लेसमेंट्स हो सकता है. फिक्स साइन में हमारा एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक और था टॉरस ना. फिक्स साइन में देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंपैरिजन. आपका पर्सन वेरी मच किसी के साथ कॉम्पिटिशन में थे, लाइक किसी और को हराने के चक्कर में वो इतना खो गए कि उन्होंने अपना सब कुछ वहाँ पर गवा दिया. ठीक है, इट वॉज अ वेरी मच जगलिंग एक्ट. कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. एंड इट वॉज वेरी क्योटिक, बहुत ही क्योटिक सिचुएशन था बस. ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा था उनके सिचुएशन का, इसलिए वो कर क्यों रहे. देर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ सब कुछ बहुत स्पीड से चल रहा है एंड जाकर के धाम धक्का खा के गिर जा रहा है. ठीक है ना, या दे हैव बीन इन अ फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन. आपके पर्सन बहुत तेजी से अपने फॉल्स ट्विन या कार्मिक के पास दौड़ के गए थे, बट नाउ दे नो हु द रियल वन इज. इसके बाद ही वी हैव डिवाइन फेमिनिन एंड वी हैव इनोसेंस. दे माइट बी विद अ कॉपी कैट बॉस, वेरी मच अ कॉपी कैट. आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं है कि ये जो कॉपी कैट एनर्जीज है, सालों से वो आपका पीछा कर रहे हैं एंड फाइनली एक पॉइंट के बाद उनका स्पेल वर्क काम किया एंड दे मैनेज टू ट्रैप योर पर्सन. ऑनेस्टली आप यहाँ पर यही बोलो, लाइक आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि आपके पर्सन ने अगर उन्हें बढ़ावा नहीं दिया होता तो उन्हें इतनी जगह नहीं मिली होती. राइट, ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.